एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। अब मैं हूं आपकी डाइट और न्यूट्रिशन एक्सपर्ट मधुलिका। आज मैं बात करूंगी वुमेन हेल्थ के बारे में। और जब भी हम वुमेन हेल्थ के बारे में सोचते हैं या सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही बात जो होती है वो आती है, एक ही नाम आता है, एंड दैट इज कॉल्ड हार्मोनल इम्बैलेंस। इसके बारे में हम आज बात करेंगे। ऑफकोर्स ये वीडियो देखकर आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस आजकल की एक बहुत ही कॉमन समस्या है और इसको किस तरीके से मैं अपने पेशेंट्स के साथ ट्रीट करती हूँ, डील करती हूँ, वो सारी चीज़ें भी मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी। लेकिन सबसे पहले आप लोगों का धन्यवाद ज़रूर दूंगी, क्योंकि आप लोग मेरी वीडियोज़ को देखते हैं, उनको पसंद करते हैं, तो मुझे लाइक से जो है पता चलता है कि आप लोगों ने मेरी वीडियोज़ को पसंद किया है, और वहीं से मुझे मोटिवेशन मिलता है और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुँचाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और बात करेंगे हम हार्मोनल इम्बैलेंस के बारे में। तो इससे पहले ये कितने सेगमेंट्स में, सबसे पहले हम बताएंगे हार्मोन्स क्या होते हैं, उनके रोल क्या होते हैं हमारे लाइफ में, और उसके बाद हम बात करेंगे कौन कौन से ऐसे होते हैं जो कि टेम्परेरी होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो कि लंबे समय तक हमें उनसे डील करना पड़ता है। तो वो सब चीज़ें मैं आपसे शेयर करूंगी। उसके बाद मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि कौन सी ऐसी टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं, जिसको फॉलो करने के बाद आप ऐसे हार्मोनल इम्बैलेंस से डील कर सकते हैं और एक हेल्दी लाइफस्टाइल को भी मेंटेन कर सकते हैं अगर आपको किसी तरह का कोई भी हार्मोनल इश्यू है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हार्मोन्स होते क्या हैं। हार्मोन्स एक तरह के केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो कि ब्लड के थ्रू ट्रेवल करते हैं। अब ये खाली मैसेंजर्स ही नहीं होते हैं, इनके बहुत सारे रोल होते हैं। हमारी एपेटाइट को रेगुलेट करते हैं, हमारे जितने भी ग्रोथ होती है हमारी बॉडी के अंदर उसके लिए भी हार्मोन्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। खासकर अगर हम बात करते हैं ग्रोथ हार्मोन की, तो वो भी हार्मोन ही है, तो ग्रोथ के लिए भी हार्मोन जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके अलावा जितने भी रिप्रोडक्टिव जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं उसमें भी हार्मोन्स जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब हम बात करेंगे कितनी तरह के होते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस। ये दो कैटेगरीज में आते हैं। एक तो होते हैं जो टेम्परेरी, जैसे कि प्यूबेरिटी के टाइम पे जो कि एडोलसेंस गर्ल्स होती हैं जिनको पीरियड्स वगैरह स्टार्ट होते हैं, उस समय पर जो भी आपके हार्मोन्स होते हैं वो इम्बैलेंस होते हैं, लेकिन वो टेम्परेरी होते हैं, कुछ समय के बाद वो अपने आप सेटल डाउन हो जाते हैं। नेक्स्ट जो आते हैं वो आते हैं जब लेडी प्रेग्नेंट होती है, उस समय पर भी हार्मोन्स जो होते हैं वो काफ़ी चेंज होते हैं और वो भी अपने आप जो होते हैं डिलीवरी के बाद लेडीज़ के जो हार्मोन्स होते हैं वो अपने आप सेटल डाउन हो जाते हैं। लेकिन अगर केयर ना की जाए तो यही हार्मोन्स जो होते हैं ये लॉन्ग टर्म तक भी रन करते हैं, ये भी थोड़ा सा इसमें भी देखना पड़ता है। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, काफ़ी केयरफुल रहना पड़ता है उस समय पर जब आपको प्रेगनेंसी हो। इसके बाद जो थर्ड आता है टेम्परेरी में, वो आता है मेनोपॉज, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेडीज़ को जिस वक्त मेनोपॉज हो रहा होता है, जिस वक्त मेनोपॉज हिट होता है उसको, उसके लिए उस वक्त पर हार्मोन्स जो होते हैं वो काफ़ी चेंज होते हैं, और उस समय पर कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी गाइडलाइंस जरूर फॉलो करनी चाहिए जिसमें कि कैल्शियम जो होता है वो उसका इनटेक बढ़ा देना चाहिए अपनी डाइट के अंदर। अगर आपको मेनोपॉज हो रहा है तो एक कोई भी ऐसी एक्टिविटी आप लोगों को ज़रूर इंक्लूड करनी चाहिए अपनी लाइफ में, जैसे कि आप योगा कर सकते हैं। योगा पोस्चर्स तो बहुत अच्छे होते हैं जिन लोगों को हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, जिन लोगों को मेनोपॉज के टाइम पर दिक्कत आती है, खासकर कैल्शियम डिप्लीट होता है, जॉइंट पेन वगैरह आ जाते हैं, वेट गेन होने की समस्या काफ़ी होती है जिस वक्त हार्मोन्स जो होते हैं वो इम्बैलेंस होते हैं। और इसके अलावा अगर आप कोई भी एक्टिविटी, खासकर योगा के पोस्चर्स हैं, ब्रीदिंग प्राणायाम है, इस तरह की एक्टिविटीज़ को अपनी लाइफ में शामिल करते हैं तो ये पीरियड भी काफ़ी अच्छे से निकल जाता है और कोई दिक्कत नहीं आती। तो ये तो होते हैं टेम्परेरी। इसके बाद हम बात करेंगे परमानेंट, यानी कि जो लॉन्ग टर्म तक रन करते हैं वो कौन से हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं। सबसे पहले बात करूँगी थायराइड की, उसके बाद आते हैं PCOD या PCOS, और उसके बाद आता है आपका डायबिटीज़। ये भी हार्मोनल इम्बैलेंस ही हैं और इसमें भी हमें जो होती है डाइट के थ्रू, क्योंकि अगर हम मेडिकल साइंस की बात करते हैं तो मेडिकल साइंस में तो थायराइड के लिए कहा जाता है कि ये एक गोली है और आपको पूरे जो है होल लाइफ ये खानी है। लेकिन अगर हम डाइट की बात करें तो ये टेस्टेड है और मेरे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं जिन्होंने अपने थायराइड को रिवर्स किया है, अपने एंटीबॉडीज़ यानी कि अपने हॉशिमोटो जिसको बोलते हैं ऑटो इम्यून को रिवर्स किया है, डायबिटीज़ में काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखने के लिए आए हैं। तो PCOD वगैरह के जो पेशेंट्स होते हैं उनको भी काफ़ी आराम मिलता है जब वो लोग डाइट थेरेपी फॉलो करते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये सब आती हैं आपके लॉन्ग टर्म तक रन करती हैं, लेकिन डाइट से ये सब चीज़ें सॉल्व होती हैं, रिवर्स हो जाती हैं और आपको काफ़ी एक हेल्दी लाइफस्टाइल आप जी सकते हैं। तो कौन कौन सी ऐसी गाइडलाइंस हैं जो मैं अपने पेशेंट्स के साथ अक्सर जो है उनके साथ फॉलो करती हूँ, वो सब चीज़ें मैं आज आप लोगों के साथ
इस वीडियो में बताऊंगी। सबसे पहले मैं बात करूंगी, जब भी किसी लेडी के हॉर्मोन्स जो होते हैं वो डिस्टर्ब होते हैं ना, उसका जो मेंटल जो हेल्थ होती है वो बहुत ज़्यादा सफ़र करती है। रात को नींद ना आना, चिड़चिड़ापन होना, डिप्रेशन होना, एन्जाइटी होना, गुस्से में मतलब चिल्लाना, या मतलब इस तरह के सिम्टम्स अक्सर देखने के लिए आते हैं जिन लोगों को हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, मैं इंक्लूड करती हूँ उनकी डाइट के अंदर एडेप्टोजेनिक हर्ब्स की टी, जैसे कि तुलसी टी, अश्वगंधा के जो पत्तियां होते हैं उनको आप इंक्लूड कर सकते हैं अपनी डाइट के अंदर। अश्वगंधा के कैप्सूल्स जो आते हैं उनको भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। और ऐसी बहुत सारी एडेप्टोजेनिक हर्ब्स होती हैं जो कि आपके मेंटल हेल्थ को काफ़ी रिलीफ देती हैं, और उसमें एक आती है कैमोमाइल टी। कैमोमाइल टी फ्लावर्स की बनी हुई होती है, और कैमोमाइल टी पीने के बाद आपका न सिर्फ आपका ब्रेन बल्कि आपका जो पूरा स्पाइनल कॉर्ड होता है, आपके जो पूरा नर्वस सिस्टम होता है जो दिन भर परेशान रहता है, वो एकदम से रिलैक्स हो जाता है। और उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ सो जाना चाहिए ताकि एक अच्छी और प्रॉपर नींद आप लें और आपके हॉर्मोन्स भी बैलेंस हो। तो उस समय पर जितनी भी एडेप्टोजेनिक हर्ब्स होती हैं, कुछ नहीं मिलती, तुलसी हर घर में मिल जाती है, अश्वगंधा के कैप्सूल्स, अश्वगंधा की टैबलेट्स, ये भी इजीली मार्केट में अवेलेबल होती है। और इसके अलावा कैमोमाइल टी जो होती है वो आप कहीं से भी, अमेजोन से या कहीं से भी आप ऑर्डर कर सकते हैं, तो उसको भी आप अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। इवन टर्मेरिक टी जो होती है वो भी आपके ब्रेन फंक्शन के लिए बहुत अच्छी होती है। जिन लोगों को ब्रेन में फॉगिनेस फील होती है या फिर ब्रेन में काफ़ी ऐसी समस्याएं इनको महसूस होती है कि हम भूल जाते हैं बहुत जल्दी, ऐसे पेशेंट्स मेरे पास बहुत सारे हैं जिनको कि जो कहते हैं सबसे पहले यही बताते हैं कि मैं भूल जाती हूँ। फॉग मतलब ब्रेन डिसफंक्शन उसको हम बोलते हैं, कि बहुत जल्दी चीज़ें भूल जाते हैं। तो उसके लिए जो होती है ना बहुत अच्छा होता है आपको हेल्दी फैट्स को इंक्लूड करना अपनी डाइट के अंदर, जैसे कि फ्लैक्स सीड्स हैं और सिसमे सीड्स हैं, इनका इंटेक बढ़ा देना, नट्स एंड सीड्स। बिल्कुल नट्स एंड सीड्स की अगर मैं बात करूं तो सीड्स जो होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, और अखरोट जिसको वॉलनट बोलते हैं, रोज़ एक अखरोट और फ्लैक्स सीड, इन दो चीज़ों का सेवन जो है वो आप ज़रूर कीजिए अगर आपको ब्रेन फॉग की किसी तरह की कोई समस्या है तो। इवन ये कोलेस्ट्रॉल को भी रिड्यूस करने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, जो कि अक्सर जिनको हार्मोनल इम्बैलेंस होता है उसमें देखा ही जाता है। इसके बाद ये तो काफ़ी इन्फॉर्मेशन है जो आप अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं अपनी लाइफ में। उसके अलावा मैं बात करूँगी कुछ ऐसे वेजिटेबल्स के बारे में, जैसे कि बीट रूट है, जो कि जितनी भी वेजिटेबल्स हैं जो धरती के अंदर पाई जाती हैं, उगती हैं, जिनको रूट वेजिटेबल्स कहते हैं, वो वेजिटेबल्स बहुत अच्छा रोल प्ले करती हैं उन लोगों के लिए जिन लोगों को हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। जैसे बीट रूट है, गाजरें आजकल बहुत अच्छी आ रही मार्केट में, कैरेट्स, अब चाहे अगर आप विंटर्स की जगह समर में ये वीडियो देख रहे हैं तो आप ऑरेंज कैरेट का इंटेक कर सकते हैं। इसके अलावा मूली जो होती है 12 महीने मिलती है, मूली का इंटेक कर सकते हैं। मूली के पत्ते तो क्रूसीफर वेजिटेबल्स में आते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों का आप जो है यूज़ कर सकते हैं। स्वीट पोटैटो है या फिर पोटैटोज़ हैं, अगर आप इसको सही फॉर्म में लेना शुरू करें तो जितनी भी रूट वेजिटेबल्स होती हैं वो बहुत इफ़ेक्टिव होती हैं जिन लोगों को हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। इसके बाद हम एक विवादित टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो कि अक्सर थायराइड में देखा जाता है, और वो होता है क्रूसीफर वेजिटेबल्स। कहा जाता है कि क्रूसीफर वेजिटेबल्स जो होता है वो नहीं लेना चाहिए जिनको थायराइड का इश्यू है, लेकिन अगर क्रूसीफर वेजिटेबल्स आप लेते हैं तो ये आपके लिवर के लीवर फंक्शन को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करता है। दूसरी बात, किसी भी तरह के कैंसर होने के जो रिस्क होता है ना उसमें भी ये बहुत हेल्पफुल होता है, मतलब आपको कैंसर से प्रिवेंट करता है, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर है, ओवरीज का कैंसर है, या इस तरह के किसी भी कैंसर से क्रूसीफर वेजिटेबल्स बहुत अच्छे से फाइट करती है। तो क्रूसीफर वेजिटेबल्स का इंटेक जो है वो आपको करना चाहिए। अगर आप थायराइड पेशेंट हैं तो उसमें बहुत सारे तरीके होते हैं क्रूसीफर वेजिटेबल को इंक्लूड करके मॉडरेशन में, जैसे कि ब्रोकली होती है, ब्रोकली को आप स्टीम कीजिए, अच्छे से नमक के पानी में स्टीम कर लीजिए, उसको भाप में स्टीम कर लीजिए, उसके बाद उसको वॉश कीजिए और उसको यूज़ कीजिए। लेकिन बेनिफिट्स जो है आपको वीक में 1 से 2 बार क्रूसीफर वेजिटेबल्स का इंटेक ज़रूर करना चाहिए। तरीका जो होता है वो थायराइड पेशेंट के साथ थोड़ा सा बदल जाता है। और जो क्रूसीफर वेजिटेबल्स होती हैं उसके अंदर एक कंपाउंड होता है एंडोल 3-कार्बोनोल, ये भी काफ़ी इफेक्टिव होता है, ये फाइट करता है एक्चुअली कैंसर के अगेंस्ट। इसके अलावा अगर हम बात करें तो किसी भी तरह की पिल्स, अगर आप एंजाइटी में हैं, आपको नींद नहीं आती है, आप डिप्रेशन से मतलब डील कर रहे हैं, तो उस समय पर आपको किसी भी तरह की कोई भी सप्लीमेंट जो है उसको इंक्लूड करने से पहले जो डाइट टिप्स मैंने आपको दिए हैं उनके साथ आप डील करना सीखिए। इसके अलावा मैं एक चीज़ आपको और बोलना चाहूँगी, क्योंकि जैसे हार्मोनल इम्बैलेंस किसी को भी होता है ना, तो अक्सर वेट गेन जो होता है वो देखने में आता है।
तो लोग क्या करते हैं, डाइट तो फॉलो करते हैं, लेकिन ऐसी डाइट जिसके अंदर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी कि जो हमारे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है और फैट है, ये मतलब ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी लेवल्स को मेंटेन करने में बहुत हेल्प करता है। फैट्स जो होते हैं, फैट क्या होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं हॉर्मोन्स का। अगर आप फैट खाना छोड़ देंगे तो आपके हॉर्मोन्स ही बनेंगे नहीं, क्योंकि जो ईंट होती है ना, जैसे एक मकान बनाने के लिए ईंट लगती है, उसी तरह हॉर्मोन्स को बनाने के लिए जो फैट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फैट सेल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कभी भी जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको छोड़कर अगर आप किसी भी तरह की, जैसे अक्सर वेट तो लूज कर देंगे आपका, जैसे कि कोई कोई कहता है कि आप बिल्कुल फ्लूड डाइट पे चले जाइए या फिर जूस डाइट पे चले जाइए, एक या 2 दिन तक तो बॉडी डिटॉक्स करने के लिए इट्स ओके। बट अगर आप लॉन्ग टर्म तक इस तरह की डाइट को फॉलो करते हैं जिसमें नो कार्ब है या बिल्कुल ही लेस कार्ब है, क्योंकि एनर्जी लेवल्स वैसे ही डाउन है और कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो एनर्जी का ही सोर्स होता है, तो मॉडरेशन में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, इस तरह की डाइट जो है वो आपको फॉलो करनी चाहिए। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, जितने भी ऐसे अनाज हैं जैसे कि आपका रागी का आटा है, बाजरे का आटा है, ज्वारी का आटा है, ओट्स का आटा है या मक्की का आटा है, इस तरह के आटे जो हैं वो आप इंक्लूड कीजिए, इसके अंदर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है। और भी बहुत सारे ऐसे सीरियल्स होते हैं जो आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के साथ जो है, आप अगर डाइट को फॉलो करेंगे, डाइट करेंगे इन सब चीज़ों के साथ और मीठे का जो है इंटेक थोड़ा कम करेंगे, तो आपके हॉर्मोन्स बैलेंस होंगे, और डेफिनेटली होते हैं, क्योंकि ये चीज़ें जो मैं आप लोगों को आज शेयर कर रही हूँ, यही चीज़ें मैं अपने जो पेशेंट्स होते हैं उन लोगों के साथ भी करती हूँ। वो एक पर्सनल डाइट प्लान होते हैं जो कि उन लोगों को दिए जाते हैं। इसके अलावा आपके थोड़ा सा जो, अगर मैं बात करूँ एक अलग लेवल पर जाकर, तो वो होते हैं स्ट्रेस। अगर आप अपने स्ट्रेस के ऊपर काम नहीं करेंगे तो स्ट्रेस अगर हाई होगा तो कॉर्टिसोल भी आपका हाई होगा, और यही हाई कॉर्टिसोल जो होता है ना, ये आपके बहुत सारे और हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आपको करना क्या है, जैसे जैसे आपको अपनी डाइट के ऊपर ध्यान देना है, डाइट पे कंसंट्रेट करना है, उसी के साथ साथ आपको अपने जो आपका स्ट्रेस है उसके साथ भी काम करना है। स्ट्रेस पे काम करने के लिए ब्रीदिंग प्राणायाम बहुत अच्छे होते हैं, उसके अलावा मेडिटेशंस जो लोग कर सकते हैं वो भी बहुत इफेक्टिव होता है, और इसके अलावा जब योगा करते हैं, अब योगा में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊंगी, जो लोग बिल्कुल योगा नहीं करते हैं और योगा कर भी नहीं सकते, मैं कहती हूँ आप मैट पर खड़े हो जाइए, सिर्फ मैट पर खड़े हो जाइए, धीरे धीरे करके आप अपने हाथ पैर हिलाने लगेंगे और एक्टिविटी जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगी, और कुछ समय के बाद आप देखेंगे फिक्स टाइम पे सिर्फ आपको मैट पर खड़े होना है। ये चीज़ मैंने एक वीडियो में और भी बताई थी कि अगर आप योगा नहीं कर पाते हैं तो आप मैट पर खड़े होना तो एटलीस्ट सीख जाइए योगा मैट पर। उसके बाद क्या होगा, एक रिदम बनता है। योगा जो योगाचार्य होते हैं, जो योगा रेगुलर करते हैं, आप उनसे भी पूछेंगे ना, तो योगा करते हुए एक रिदम बनता है एंड दैट इज कॉल्ड मेडिटेशन, और ये बहुत हेल्प करता है आपके स्ट्रेस को कंट्रोल करने में। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करना चाहती थी, और ये बहुत हेल्पफुल है गाइज। यही चीज़ मैं अपने जो पेशेंट्स जो होते हैं, जो मेरे पास एनरोलमेंट लेते हैं पर्सनल, उनको पर्सनलाइज डाइट प्लान जो होते हैं वो मैं इसी के बेस पर उन लोगों को देती हूँ। तो आप लोगों को भी मैं यही कहूँगी कि जब भी आप अपनी डाइट को प्लान करें तो कंपाउंड जो होते हैं, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स को कभी ना छोड़ें, फैट्स को कभी ना छोड़ें, और अगर आप वेट लूज के पीछे भागेंगे तो आपके हार्मोन्स जो है ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो आपको वेट लूज के पीछे नहीं भागना है, आपको किस चीज़ के पीछे भागना है, आपको एक अच्छी लाइफस्टाइल, एक हेल्दी डाइट और मीठा छोड़ना है, और कैलोरी रिस्ट्रिक्टेड डाइट, जो कि एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा, इट्स अ वेरी हम्बल रिक्वेस्ट मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी, चाहे आप 90+ भी क्यों ना हो, आपका टारगेट जो है ना अपने हॉर्मोन्स को बैलेंस करने पे होना चाहिए, वेट ऑटोमेटिकली आपका रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन अगर आप वेट रिड्यूस करने के लिए कैलोरी डेफिशिएट में जाएंगे, खासकर जिनको इस तरह की समस्याएं हैं, यदि उनके ब्लड टेस्ट, अगर आपके ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट्स आपके हाथ में है, आपको पता है कि आपके बॉडी के अंदर विटामिन डी लेवल्स बहुत ज़्यादा कम है, B12 जो है वो बहुत ज़्यादा कम है, आयरन और आपका TIBC बहुत बढ़ा हुआ है, आपकी हीमोग्लोबिन कम है, तो उसके ऊपर आप काम कीजिए। खासकर उन चीज़ों के लिए आप अच्छे सप्लीमेंट्स या फिर हेल्दी लाइफ, हेल्दी डाइट को आप इंक्लूड कीजिए। बहुत सारी चीज़ें मार्केट में हैं ऐसी जो कि इन सब चीज़ों के साथ, खाली सप्लीमेंट ही नहीं होता है कि आप सप्लीमेंट लेते रहें और आपके जो है ये हॉर्मोन, ये जो जितने भी आपके विटामिन्स और मिनरल्स हैं इनकी डिफिशियंसी फुलफिल होती रहे, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपनी डाइट के अंदर। तो
तो बिल्कुल मैं आपको ये कहूंगी कि अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल, एक हेल्दी डाइट प्लान्स जो है उनको फॉलो करते हैं, अच्छा खाने की प्लेट आपकी अच्छी दिखनी चाहिए, हेल्दी दिखनी चाहिए, इसको भी अगर आप 3 से 4 महीने फॉलो करेंगे ना, तो देखेंगे कि आपका वेट जो है एक हेल्दी वे में रिड्यूस होगा, पहली बात। दूसरी बात, वो जो वेट रिड्यूस होगा ना, वो वापस से नहीं आएगा। लेकिन अगर आप कैलोरी डेफिशिएंट होके किसी भी तरह के डाइट प्लान्स फॉलो करेंगे, मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग आए जिन लोगों ने पहले वेट लॉस किया, कैलोरी डेफिशिएंट में जाके वेट लूज किया, और उसके बाद जो है उनके हॉर्मोन्स भी डिस्टर्ब हुए और उनके हेयर फॉल काफ़ी हुआ, स्किन उनकी काफ़ी ख़राब हुई और ब्रिटल नेल्स उनके हुए, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें, इवन एजिंग उनके फेस पे दिखने लगी, क्योंकि वो कैलोरी डेफिशिएट में गए। और कैलोरी डेफिशिएट में जाना तब चाहिए जब आपको किसी तरह की कोई समस्या ना हो, सिर्फ आपने खाने से ही वजन बढ़ाया हो, उस कंडीशन में आप कैलोरी डेफिशिएट में जाकर अपने जो है डाइट प्लान्स को बनवा सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज एक थम्स अप कीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेकर आती रहूंगी। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।